अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग बनाएंगे नाश्ते में पुट्टू, जो केरला का नाश्ते का आइटम है। ये है पुट्टू का आटा। इसमें लगेगा बहुत सारा कोकोनट, जो इसको हम लोग को थोड़ा सा ये करना है, ग्राइंड कर लेना है। ये है कोकोनट हो गया, और ये है पुट्टू मेकर, स्टील का है, ऐसा रहता है पुट्टू मेकर। अब वो कैसा बनाता है वो मैं आपको बताती हूँ आगे। ये इसकी छलनी है, जिससे आटा नीचे नहीं गिरेगा, तो इससे स्टीम भी अंदर ऊपर आ जाएगी। इसको हम लोग को कुकर में फिट करना है। मैं कुकर में फिट करती हूँ इस तरह से, ये ऐसे। और चलिए अभी हम लोग आटे को भूनते हैं। ये है बर्तन, ये थोड़ा सा पानी ली हूँ मैंने गर्म करके, इसमें थोड़ा सा नमक डालूँगी, जिससे कि थोड़ा आटे में थोड़ा अच्छा टेस्ट आएगा। थोड़ा ही डालना है, ज़्यादा नहीं डालना। अब ये हो गया आटा, देखो ये है आटा पुट्टू का, और ये है थोड़ा सा रवा, उसको दोनों को मिक्स करना है। थोड़ा सा लेना रवा, थोड़ी सी क्वांटिटी, और ये आटा। अभी दोनों को मिक्स करके हम लोग को इसको थोड़ा रोस्ट कर लेना है, एक दो मिनट के लिए, बस सेकेंड के लिए ऐसा, जिससे कि वो थोड़ा फ्रेश हो जाए। अब ये दोनों रेस्ट हो रहा है, दोनों को मिक्स कर दी। अब ये करते करते थोड़ा गिर गया। अब इसको थोड़ा सा अच्छे से रोस्ट हो जाने, थोड़ा सा करना, ज़्यादा नहीं। उसके बाद हम लोग को नारियल को भी ऐसा ग्रेट कर लेना है। और अब इसको, इससे आटे को ज़रा मिक्सअप करना है। ओ, मेरा गैस ख़त्म हो गया। अब हम लोग को इसको थोड़ा थोड़ा पानी डाल के उसको अच्छे से, बिना गुटली आए ऐसे, उसको पाउडर को अच्छे से उसको ऐसा मिक्स कर लेना है। पानी और थोड़ा आटा रवा सब अच्छे से मिक्स हो जाना चाहिए। आटा गुनना नहीं है, बस खाली उसको छिड़क के उसको ऐसा मिक्स करना है। पाउडर जैसे ही रहेगा वो आटा। अब मैं आपको बताती हूँ, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के अच्छे से उसको थोड़ा ये कर लेना है। अब थोड़ा पानी और जाएगा। अब ये आटा हो गया। अब ये आटा जब ये करते थोड़ा फूल जाता है, थोड़ा उसको रख, एक दो सेकंड के रख देना है पानी छिड़कने के बाद में, तो ये ऐसा अच्छा हो गया ना, देखो ऐसा बिना गुटली आए। अब ये है नारियल ग्रेटेड करा हुआ, और वो आटा है यहाँ पर। अभी बर्तन लेंगे हम लोग पुट्टू मेकर। अब इसके अंदर ये ऊपर का जो नॉब है वो निकाल दो, नीचे अंदर छन्नी लगी हुई है ना, चेक कर लेना, नहीं तो आटा पूरा नीचे गिर जाएगा। ये भी छन्नी डाल दी। पहला जाएगा नारियल ग्रेट करा हुआ थोड़ा, फिर जाएगा उसके अंदर पुट्टू का आटा मिक्स करा हुआ इस तरह से, मतलब थोड़ा नारियल डालना है और थोड़ा आटा डालना है। तो ऐसा तीन लेयर या दो लेयर आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। मैं दो ही लेयर कर रही हूँ, कोई कोई तीन लेयर भी करता है ज़्यादा नारियल डाल के, किसी को नारियल ज़्यादा पसंद आता है। ये ऐसा दो लेयर हो गया, और थोड़ा सा उसको ना ऐसा थोड़ा टैप टैप करना है, ताकि वो आटा अच्छे से सेट हो जाए। देखो अभी ये लास्ट हो गया। अब इसके बाद हम लोग को उसका ढक्कन लगा देना है पुट्टू मेकर का, और हमको इसको सीधा कुकर में रख देना है इस तरह से। अब इसको एक 10 मिनट लगेगा उसको स्टीम आने के लिए। जैसे ऊपर अभी स्टीम आ रही दिख रहा है ना, तो मतलब हम लोग का ये आटा रेडी हो गया है, पुट्टू हम लोग का रेडी हो गया है। अब ये स्टीम ऊपर आ गई है, अब हमको इसको निकाल लेना है। हो गया ये रेडी, अब इसको निकाल दिए, हो गया रेडी, हो गया है। नॉब को हटा दो, और इसकी डंडी आती है बारीक सी, जिसको हम लोग को पुट्टू को ऐसा निकालने में हेल्प होती है। ये इस तरह से देखो, वो ऐसा करे अखा पुट्टू बाहर आ गया, पुट्टू रेडी। अभी इसका नॉग में थोड़ा सा नारियल लगा हुआ है, उसको हम लोग को क्लीन करके अभी हम लोग को सेकंड पुट्टू बनाना है। ये एक पुट्टू रेडी हो गया हम लोग का, अब ये रेडी हो गया है। अब इसको हम लोग को असली घी और बनाना और शक्कर, इन लोग सबको डाल के मिक्स करके उसको अच्छे से हमको नाश्ता कर लेना है। एकदम हेल्थी नाश्ता, गुड हेल्थी नाश्ता।
ओ मेरा पार्सल आ गया है। ये मुझे आया है ऑर्गेनिक फेशियल किट की तरफ से, विटामिन सी की पूरी पांच उसके अंदर वो बना हुआ है फेशियल किट, जिसके अंदर है फेस क्लींसर है, फेस स्क्रब है, फेस मसाज जेल है, ऑर्गेनिक मसाज क्रीम है, ऑर्गेनिक मसाज फेस मास्क है। ये मैं आपको इसका बाद में रिव्यू दूंगी, अब तो एकदम नाश्ते के बीच में आ गया है, नाश्ता करने के समय पे मॉर्निंग में। अब ये आप खाली दिखा रही हूँ मैं कि ये मुझे आया है ऑर्गेनिक फेशियल विटामिन सी, मैं इसको आपको बाद में रिव्यू दूंगी इसका। अब ये हो गया है, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग सब अच्छे हैं, आप सब भी अच्छे होंगे, और काम सब हो गया हम लोग का। अभी हम लोग थोड़ा नीचे जा रही हूँ, काम सब होने के बाद थोड़ा नीचे कुछ खा के आते हैं। ये तो शाम का बन रहा है, ये शाम के वक्त है, मैं नीचे जा रही हूँ। मेरा इंजेक्शन ज़रा ख़त्म हो गया है डायबिटीज़ का, तो वो लेने के लिए मैं बोली चलो ज़रा नीचे जाके भी आती हूँ, थोड़ा घूम के भी आ जाती हूँ। तो हम लोग उतरते हैं अभी नीचे, थोड़ा मार्केट का सामान भी लेना था, थोड़ा फ्रूट्स लेने थे मुझे, तो मैं बोली मेरे बेटे को बोली चलो ज़रा जाके आते, बारिश भी नज़र तो नहीं आ रही है लेकिन कभी आ जाएगी तो तो आ जाइए चलते हैं सब लोग। ये हम लोग अभी बाहर आ गए हैं, अभी मैं जा रही हूँ नीचे, मेडिकल से थोड़ा सामान लेना है मुझे और थोड़ा फ्रूट्स लेती हूँ, थोड़ा घर का थोड़ा सामान बाकी था वो भी ले लेती हूँ, और शुगर की इंसुलिन ख़त्म हो गया है तो वो लेना बहुत ज़रूरी है, वरना मुझे बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। तो आइए तो आगे लिफ्ट से बाहर, और अब जा रहे हैं लॉबी में नीचे पार्किंग एरिया में। अब यहाँ से हम लोग अभी निकलेंगे थोड़ा सामान लेने के लिए। और सब आप लोग सब कैसे हो, और कमेंट करके बताओ कैसा लग रहा है मेरा सब नाश्ता वास्ता। आप लोगों को खाना बनाती हूँ तो कैसा, आप लोगों को कुछ भी है तो आप लोग बताओ, मैं तो अपने हिसाब से बनाती हूँ। आहा बाहर ठंडी ठंडी हवा लग रही तो कितना अच्छा लग रहा है और आज बारिश नहीं है बोल के ज़रा कुछ छोटा मोटा काम कर के आ सकते, वरना फिर वो छतरी लो फिर बारिश में जाओ तो थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन अभी ज़रा साफ़ सुथरा लग रहा है, रास्ता भी सब क्लीन है। ये है मेडिकल, अब चलते हैं मेडिकल में जाके अपनी मेडिसिन लेते हैं थोड़ी बहुत जो बहुत ज़रूरत है। ये है मेरा इंसुलिन का इंजेक्शन जो ख़त्म हो चुका है, वही उसी के डिस्कस कर रहे कि वो आपको फिट करने आता है क्या। तो मेडिकल वाले भाई बोले मुझे तो नहीं आता है, फिर भी मैं ट्राई करता हूँ। और ये सब कॉटन चाहिए था मुझे, थोड़ा वो कॉटन ले ली, नीडल्स ले ली मैंने, इंसुलिन ले ली। अब मैंने बोली थी ना कि मुझे कुछ खाना भी है नीचे जाके, तो थोड़ा थोड़ा फास्ट फूड खाते थोड़ा जाके। ये है हम लोग की शॉप नीचे दुकान, जहाँ पर पानी पूरी बहुत अच्छी मिलती है, तो आप लोग भी कभी आएंगे तो यहाँ पर पानी पूरी ज़रूर खाने को आना, मेरा तो बहुत फेवरेट है। एक पानी पूरी भी खा लेती तो बहुत अच्छा लगता है, आप सबका भी फेवरेट होगा, आप लोग भी सब खाना। गुड, वेरी गुड। सूखी पूरी किसको इसको चाहिए बोलना, पानी पूरी के बाद सब मांग मांग के लेते हैं। और यह आ गए हमें भी फ्रूट देखने के लिए, फ्रूट तो बहुत बहुत महंगे हो गए हैं। बनाना पहले 40 रुपया डज़न मिलता था, अब 70 रुपया डज़न हो गया है। पता नहीं इन लोग ने इतना महंगा फ्रूट क्यों रखे हैं, इतना महंगा करेंगे तो कैसा इंसान लेगा और खाएगा। चलो कोई बात नहीं, खाना तो है, तो अभी थोड़ा सा फ्रूट ले लेते हैं। भैया को मैं वही बोल रही थी, भैया जी बहुत महंगा है कम करो, भैया जी बोलते नहीं कम नहीं होगा, अभी बहुत महंगा है, आप लोग को लेना है तो लो, तो चलो ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, हो गया अभी सब शॉपिंग, अब आ गई हूँ मैं घर की तरफ। अब जाती हूँ ईशा की नमाज़ पढ़ना है और खाना खाना है इंसुलिन लगा के, और अब जाते हैं घर पे। आ गई हम लोग की लिफ्ट और अभी हम लोग जाते हैं।
नीचे जाके आने में थकान इतनी हो जाती है कि पूछो मत। अब जा रहे हैं लिफ्ट में और बहुत थक गई हूँ, अब नींद भी आ रही है मुझे। लिफ्ट में नींद आ जाती है और अब जा रहे हैं घर पे। अस्सलाम वालेकुम, घर की तरफ अंदर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दरवाज़ा जल्दी बंद करना पड़ता है, मच्छर घुस जाते हैं घर के अंदर। चलो सब काम हो गया, अब ईशा की नमाज़ पढ़ लेते हैं। अरे वो इंजेक्शन जो मैंने ली थी तो वहाँ पर एक टैबलेट छूट गई थी, तो अब वो लेने के लिए उतरी हूँ नीचे। तो वो इंजेक्शन की जो इंजेक्शन तो ले ली थी, टैबलेट कुछ बची थी, तो अभी वही लेने को ज़रा जाके आ जाती हूँ। तो चलो फिर, ओके, अल्लाह हाफिज़।